जब आप दूर से आ रहे होते हो तो ओरिका इज़ नॉट ओनली अबाउट रेजिडेंशियल स्पेसेस, क्योंकि आप दूर से देखोगे तो आपको स्टेप्स में ऐसा लगेगा सिर्फ रूम्स ही बने हुए हैं, बट इन्होंने रूम्स के अलावा बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया हुआ है। पूरा रिसेप्शन एरिया ही इस चीज़ को डेडिकेट कर दिया है, प्लेइंग एरिया बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, ऊपर आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, घूमने फिरने के लिए बहुत सारी स्पेसेस हैं और अंदर इंटरनली भी बहुत कुछ कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपके स्टे के इन्हेंस को और इंक्रीज़ कर देंगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए एंड एन्जॉय करिए ओरिका के सो मैनी एमिनिटीज़ को। A pre-function area of 140 square meter connects the grand pillarless ballroom of 510 square meters. For bigger gatherings, it can be used together with Ikara courtyard, bringing along a separate area of 465 square meters. The library here is not so quiet as it offers you a pool table along with multiple book options for avid learners. For tiny tots, hotel has a dedicated rumpus room with game options for multiple age groups. If you wish to organize smaller meeting or conference, then Boardroom Aurum is the spot. It also has a terrace for organizing personalized experiences. Total area is 280 square meter. Arriva is the bar which has a diverse collection of fine spirits, refreshing beers, etc. It also has a vivid collection of cigars. To enjoy the scenic city views, you can reserve a dedicated corner round seating. Hotel mein sirf ek hi restaurant hai, Mirasa. Ye ek all day dining restaurant hai. Buffet breakfast including other meals like dinner bhi yahi serve ki jati hai. If you wish to enjoy exclusive dining experience or celebrate occasions like candlelight dinners, private breakfast, barbecues etc., then you can choose between venues like Amrit Bagh, Surya Bagh, Chand Bagh and Paheli Bagh. Coming with an area of 280, 250, 140 and 232 square meters respectively. The Bowli is also there, for which you have to step down one floor from the restaurant, and this too is dedicated for special events. It is surrounded by a water feature for a lavish experience. Swimming pool of the hotel is the best spot to refresh yourself with drinks. It comes along with a pool deck for the same. Swimming pool also has a separate rumpus pool for kids with all the safety measures around at one corner and common jacuzzi at the other end.
प्राइसेस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इस प्रॉपर्टी में एक यूनिक चीज़ है। अगर आप स्वीट्स को हटा दो और प्रेजिडेंशियल को हटा दो तो ऑलमोस्ट सारे रूम की जो एरिया साइज है दैट इज़ 360 स्क्वायर फीट्स, बहुत कम होता है। बट मेरे हिसाब से जो बालकनी के रूम्स हैं उसमें इन्होंने बालकनी के साइज़ को काउंट नहीं किया है, क्योंकि मैंने बेसिक रूम कैटेगरी भी देखी हुई, उसमें वो तो मुझे इतना ही बड़ा लग रहा था। स्टार्ट कर लेते हैं सबसे स्टार्टिंग रूम कैटेगरी से, दैट इज़ डीलक्स किंग रूम। प्राइस मैं ब्रेकफास्ट के साथ ही आपको सबका एक्सप्लेन करूँगा, आप चाहो तो एमएपी प्लान भी ले सकते हो। ब्रेकफास्ट के साथ प्राइस इज़ अराउंड 20,000 रुपीज़, दिस इज़ द स्टार्टिंग प्राइस। प्राइसेस बहुत डायनेमिक है, 16-17 में भी मिल सकता है, 20-22 में भी मिल सकता है, तो 16-22 इज़ द स्टार्टिंग रूम कैटेगरी रेंज। ये ट्विन बेड में भी आता है। इसके बाद वी हैव डीलक्स विस्टा किंग रूम, 4,000 रुपीज़ आप बढ़ा दो, 24 के आसपास का इसका रेट है। अगेन ये भी ट्विन में आता है, तो आप फ्लोर का डिफरेंस है, 360 स्क्वायर फीट है, बालकनी के साथ नहीं है बिकॉज ये डीलक्स कैटेगरी है, बट आपको बी ब्लॉक या उससे ऊपर भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो व्हेन यू आर बुकिंग फॉर अ विस्टा कैटेगरी। इसके बाद हमारी प्रीमियम कैटेगरी है, प्रीमियम किंग रूम विद प्राइवेट टेरेस और प्रीमियम विस्टा। हाँ ये विस्टा है बिकॉज ये बी ब्लॉक पे, प्रीमियम किंग आपको ए ब्लॉक में, ए मतलब ए स्टेप ए पे मिलेगा। प्राइसेस 25-28 इसके आसपास रहते हैं फॉर प्रीमियम किंग रूम विद प्राइवेट टेरेस। और प्रीमियम विस्टा की अगर मैं बात करूँ तो आप 4,000 रुपये इंक्रीज़ कर दो, जो कि हमारी कैटेगरी है, तो अराउंड 28-30,000 रुपीज़। सारी कैटेगरीज में 5,000 का डिफरेंस रखिएगा बिकॉज ये प्रॉपर्टी के रेट्स मैंने बहुत ज़्यादा डायनेमिक देखे हैं। आप 22-23 में भी ये जो हमारा प्रीमियम विद बालकनी, प्रीमियम विस्टा विद बालकनी, ये भी निकाल सकते हो, सीज़न पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद आते हैं हमारे स्वीट्स जो कि स्टेप सी पे हैं। स्वीट का जो रेट है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। ब्रेकफास्ट के साथ अगर मैं बात करूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली 60-65 ऐसे रहता है वीकेंड्स पे, बट इसका भी रेट आप 50-55 तक निकाल सकते हो। अगेन इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी ऑफर्स एंड अदर थिंग्स विच द होटल इज़ रनिंग। एरिया साइज इज 780 स्क्वायर फीट। फाइनली रेजिडेंशियल का भी रेट ओपन ही है यहाँ पे। प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 80-1 लाख के बीच में रहता है। एरिया साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 1250 स्क्वायर फीट एरिया साइज़ है। वहाँ से वॉक करके जो स्टेप सी है आप चाहो तो बी पे भी आ सकते हो, एक रास्ता इन्होंने बना रखा है जो कि वहाँ से आपको सीधा जो हमारा ब्लॉक है, हमारा स्टेप है, स्टेप बी, इसके टेरेस पे लेके जाता है, तो चाहो तो वहाँ से आ सकते हो, जिससे आपको व्यूज़ काफ़ी अच्छे मिलते हैं। ये मोटा मोटा हिसाब है, बट हाँ एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि स्वीट तीन ही है और प्रेजिडेंशियल भी एक है तो ऑब्वियसली कुछ तो स्पेशल किया होगा ना, इसलिए है वो ऑरिका स्वीट विद प्लंज पूल। आपको एक प्लंज पूल मिल जाता है सामने। एक मेरी शिकायत है थोड़ी सी कि प्राइवेसी को थोड़ा और बेटर किया जा सकता था बिकॉज आप देख सकते हो जो हमारा टेरेस है इससे भी सामने दिखते हैं वो स्वीट्स, उनका पूल वगैरह। सेकेंडली रेजिडेंशियल स्वीट है, उसमें आपको जकूजी भी मिल जाता है, प्राइवेट पूल एंड जकूजी। रेजिडेंशियल तो ऑब्वियसली वो तो रहेंगे ही, कुछ पर्क्स रेजिडेंशियल स्वीट लेने के। दिस इज़ द प्राइसिंग ओवरऑल, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया है, सो दैट आपको कुछ और चाहिए हो तो आप वो भी ले सकते हो। जो रूम्स हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि अगर आप यहाँ पे आओ और अगर आपने डीलक्स विस्टा कैटेगरी ली है देन प्लीज़ रिक्वेस्ट फॉर अ हायर फ्लोर। सेकेंडली जो सी ब्लॉक है उसमें हमारे पास स्वीट्स हैं, तो अगर आप व्यू के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो तो आग बंद करके आप स्वीट ले लो, क्योंकि वहीं से आपको सबसे बेस्ट व्यू मिलेगा ओपन प्राइवेट पूल के साथ। उसके ऊपर जो सी ब्लॉक में बाकी तीन फ्लोर्स हैं उस स्टेप में, जो सी स्टेप है उसमें आपको डीलक्स विस्टा रूम मिल जाते हैं, तो आप चाहो तो वहाँ पे अपग्रेड के लिए अगर आपने विस्टा रूम्स किए हैं तो आप सी ब्लॉक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। ओवरऑल वर्डिक्ट प्रॉपर्टी का मेरी तरफ से यही होगा आपके लिए कि अगर आप आओ तो मेरे हिसाब से वन डे इज़ इनफ बिकॉज रिसेप्शन एरिया में सारी एमिनिटीज़ जो मैंने आपको बता दी हूँ वो आप एक दिन में आराम से कवर कर सकते हो। लाइब्रेरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, उसमें आप समय बिता सकते हो। हिल साइड प्रॉपर्टी है तो आपको बग्गी वाला मज़ा भी मिल जाता है, आप अगर आपका सी में है या बी में है तो आप आराम से बग्गी लेके ऊपर तक जा सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। व्यूज़ अच्छे आते हैं, दो पहाड़ काट के बीच में बनाई है प्रॉपर्टी, काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी एफर्ट भी डाला है, आई बिलीव 5-6 ईयर्स लग गए प्रॉपर्टी को बनाने में। टोटल रूम्स 139 है जिसमें तीन स्वीट्स हैं, एक प्रेजिडेंशियल है और 135 बाकी कैटेगरीज में डिवाइडेड है। टेरेस जो है वो हमारे ब्लॉक में है, बी ब्लॉक के ऊपर टेरेस है, तो आप आराम से उस टेरेस को भी एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से व्यू उतना अच्छा नहीं आता है, तो अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठो तो आप सुबह का सनराइज़ वगैरह वहाँ से आराम से एंजॉय कर सकते हो। मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी इज़ गुड। लेमन ट्री से मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी एज अ ग्रुप, क्योंकि वो लग्जरी में ज़्यादा आते नहीं, बट ऑरिका इंट्रोड्यूस करके दे हैव ऑल्सो ब्रॉट देम बैक इन द गेम। होटल का बैंकुट का ओपन कोर्टयार्ड से अच्छी कौन सी जगह होगी वीडियो को क्लोज करने के लिए, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है बिकॉज इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ इंक्लूड करने की कोशिश की है, सो दैट आप जब आओ तो आपको खुद ही पता हो कि आपको क्या क्या एंजॉय करना है, क्या क्या आप लीव कर सकते हो अपनी चॉइसेस के हिसाब से।
प्राइसेस भी, वर्डिक्ट भी, जो मेरा ओपिनियन था मैंने वो बहुत ओपनली रखा है आपके सामने। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड डू कमेंट कि अगर मेरे से कोई अम्यूनिटी छूट गई हो या फिर कोई एक्टिविटी ऐसी जो ये लोग कराते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया बिकॉज आई डिडंट न्यू मच अबाउट इट। सेकेंडली, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इसी टाइप के वीडियोज़ भी फ्यूचर में मिलते रहें एंड डू शेयर दिस वीडियो ऑल्सो विद ऑल योर लव्ड वंस। तो इसी तरीके की और प्रॉपर्टीज़ का फुल रिव्यू देखने के लिए इन फ्यूचर भी जुड़े रहिए हमसे। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग दीज टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।